हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम ब्लाउज में साइड में जिप लगाना सीखेंगे। इनविजिबल जो हम जिप होती है वो लगाएंगे। ये देखिए, मैंने अपना ब्लाउज पूरा रेडी किया हुआ है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। ये दोनों साइड से जॉइंट है, इसलिए हम यहाँ साइड में जिप लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, बॉट नेक में बनाया है, तो हम यहाँ पर साइड में जिप लगाएंगे। ये जिप हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड में। ब्लाउज में ये लेफ्ट हैंड साइड में लगती है। ये देखिए, हमने जिप ली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जिप लेकर क्या करना है, ये देखिए जो हमारी जिप है ये यहाँ पर साइड में, यहाँ पर थोड़ी दबी हुई होती है जो वाला साइड है, जो हमारा बैक पार्ट है। ये फ्रंट में हमारा ऐसा है, ये हमारा उल्टा साइड है। उल्टी साइड से इस पर मैंने प्रेस की हुई है। यहाँ से देखिए, जो हमारा ये वाला साइड होता है इसको हम हल्का सा पूरा खोल कर प्रेस कर लेंगे। देखिए ऐसे, ये थोड़ा ऐसे कुछ इस तरह से है, इसको हम यहाँ से इस तरह से पूरा खोल कर प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, मैंने ऊपर का हिस्सा पूरा प्रेस किया होगा, तो बिल्कुल प्लेन हो गया है। ये दोनों साइड से हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी फिटिंग का निशान है, एक साइड से मैंने अपनी फिटिंग लगाई हुई है और यहाँ पर हम जहाँ पर हमारी फिटिंग का था यहाँ पर मैंने एक व्हाइट कलर के धागे से सिलाई लगा ली है, ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। और उससे पहले हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ से जो भी हमारी फिटिंग है ये देखिए, जहाँ भी आपको पहले यहाँ अपनी स्लीव्स के ऊपर फिटिंग लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर स्लीव्स के बाद करीब हम यहाँ पर एक या डेढ़ इंच का सिलाई लगाएंगे बस। बस हमें करीबन डेढ़ इंच की यहाँ पर सिलाई लगानी है और यहाँ पर पक्की सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड, एक बार मैं आपको करके बता देती हूँ। देखिए, जो हमारी जिप होती है उसको हम ऐसे खोलते हैं, तो हमारी इसकी बैक साइड से ये देखिए, जो हमारा ये मुड़ा हुआ हिस्सा होता है इसको हम यहाँ से इस पे प्रेस करेंगे तो हमारा ये सीधा हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल देखिए यहाँ से सीधा पार्ट हो गया है। इसी तरह से हम अपनी पूरी जिप पर एक बार प्रेस कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस यहाँ पर अपनी जो फिटिंग थी हमने इतनी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम अपनी जिप लेंगे, इसको हम उल्टा रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमने प्रेस से अपने ये वाला पार्ट बिल्कुल सीधा किया है उसको रखेंगे और यहाँ से बिल्कुल जो हमारा कॉर्नर है जो हमने सीधा किया है उसको यहाँ पर रखना है अपने फिटिंग वाले निशान पर। ये देखिए, इसको जो हमारी फिटिंग वाला निशान है उसके ऊपर रखते हुए जाएंगे और बिल्कुल हमें कॉर्नर पर यहाँ पर सिलाई लगाते हुए जाना है। हमने एक साइड में लगा ली है। अब इसके बाद ये देखिए, ऐसे ही हम यहाँ पर इसको हम पहले थोड़ा बंद कर लेंगे।
ये देखिए बंद करके यहाँ पर जहाँ तक हमारी जिप लगी है वहाँ पर निशान लगा लेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड में भी लगा लेंगे। अब इसके बाद देखिए जो हमने निशान लगाया है इसी तरह से हम अपने दूसरे वाले हिस्से में भी लगा लेंगे। इसी तरह से हम अपने जो हमने निशान लगाया वहां से लगाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हम अपनी दूसरी साइड में भी लगाएंगे। इसके बाद देखिए जो हमारा इसके बाद में ऊपर वाला हुक है इसको अंदर से ऐसे खींचेंगे। ये देखिए ऐसे इस तरह से, तो ये देखिए हमारी इनविजिबल जिप लगकर रेडी है। थोड़ा यहाँ पर है, हम यहाँ पर सिलाई लगाकर सही करेंगे इसको और नीचे की साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे हम इसको। अब इसके बाद जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इसको हम जो हमारा नीचे फिटिंग का था इसके अंदर इस तरह से इसको डालेंगे और इसको इस तरह से हम पूरा कवर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर साइड में इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड एक साइड से हमने इसको अंदर साइड कवर कर दिया है। इसी तरह से हम अपना दूसरी साइड का भी कर लेते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है वाला ऊपर का इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ पर थोड़े चुभे ना, इसके लिए हम यहाँ पर कोई भी एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर इसके ऊपर लगाएंगे ताकि वो हमारा यहाँ पर चुभेगा नहीं। ये हमारा उल्टा पार्ट है, ये देखिए राइट साइड में। देखिए फ्रेंड ये हमारी जिप लगकर रेडी हो गई है। अब फ्रेंड आप चाहे तो यहाँ पर ये खुले नहीं, यहाँ पर एक नीचे की साइड एक हुकाई भी लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम एक हुकाई अटैच कर सकते हैं ताकि हमारी जिप यहाँ नीचे से जब हम पहनते हैं तो ऊपर ऐसे खुल जाती है। यहाँ पर एक हम लास्ट में हुक और आई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।